Hello friends, how are you? I hope you are healthy and living. So welcome back to my channel. Myself Abhishek Kumar, I am your Biology mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the structure organization of animal. So in this particular video, we discuss which type of animal tissue participate in the forming of animal structure, what is their location and what is their function. So each and everything we discuss in conceptual manners and interesting manner. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and WhatsApp from my channel. So please go through WhatsApp from my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. Today's topic is nervous system of earthworm. So in this particular video, we discuss about each and every things about the nervous system of earthworm. So I hope you really enjoy this video. So first we read for written in NCERT test book. After that, elaborate each and everything with simple and easy manner. So let's start. नर्वस सिस्टम जो अर्थवर्म का होता है, बेसिकली इसमें क्या होते हैं, गैंग्लिया होते हैं ना, जो प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है अर्थवर्म में, क्योंकि यहीं से नर्वस सिस्टम की स्टार्टिंग हमारी अर्थवर्म से ही हुई है ना, यानी एनलिड से हुई है, अर्थवर्म से हुई है, ठीक है, यानी फाइलम एनलिडा से नर्वस सिस्टम की स्टार्टिंग हुई है ना, नर्वस सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, नर्वस सिस्टम स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप का होगा, यानी पहले जैसे प्रिमिटिव टाइप का होगा, पहले जैसे जैसे बनेगा नर्वस सिस्टम, जो गैंग्लिया होते हैं ना, वहाँ पे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे अर्थवर्म में, यानी एनलिड्स में, ठीक है। अर्थवर्म जो होता है हमारा एनलिडा, फाइलम एनलिडा का मेंबर है, और जो इसका क्लास होता है ओलिगोकीटा होता है, ठीक है। इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इस तरह से वी डिस्कस इन अवर प्रीवियस वीडियो। तो इफ़ यू नॉट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, तो प्लीज गो एंड क्लिक द वीडियो। तो नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाई गैंग्लिया अरेंज सेगमेंट वाइज। तो नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाई गैंग्लिया अरेंज सेगमेंट वाइज ऑन द वेंट्रल पेयर नर्व कॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जो नर्वस सिस्टम है हमारा एनलिड्स में नर्वस सिस्टम है, वो हमारी गैंग्लिया रिप्रेजेंट करती है ना, जो कि गैंग्लिया नर्वस सिस्टम में इसके क्या पाई जाएंगी, गैंग्लिया पाई जाएंगी, जो कि सेगमेंट वाइज अरेंज हो रही है वेंट्रल पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड, है ना, यानी नर्व कॉर्ड के वेंट्रल पेयर पे, है ना, वेंट्रल पेयर पे नर्व कॉर्ड के अरेंज होती हैं गैंग्लिया, ठीक है, सेगमेंट वाइज अरेंज होती हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। इसमें सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, यानी प्रिमिटिव टाइप का इसमें नर्वस सिस्टम होता है एनलिड्स में, ठीक है। द नर्व कॉर्ड इन द एंटेरियर रीजन यानी कौन कौन से रीजन सेगमेंट पे पाई जाएगी, थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट, है ना, जो नर्व कॉर्ड होती है एंटेरियर रीजन पे पाई जाती है, कौन कौन से सेगमेंट पे पाई जाती है, थर्ड और फोर्थ सेगमेंट बाइफर्केट लेटरली इन सर्किलिंग द फेरिंग्स एंड जॉइंट द सेरिब्रल गैंग्लिया डॉर्सली टू फॉर्म नर्व रिंग, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी नर्व कॉर्ड पाई जाएगी अर्थवर्म में, वो इंटीरियर रीजन पे पाई जाएगी, ठीक है, जो कि बाइफर्केट करती है लेटरल इन सर्किंग फेरिंग्स को बाइफर्केट करती है, और वो सेरिब्रल गैंग्लिया से डॉर्सली जाके जुड़ जाती है, और वो नर्व रिंग फॉर्म करती है, समझ गए होंगे आप, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारी नर्व कॉर्ड होती है अर्थवर्म में, वो एंटीरियर रीजन पे पाई जाएगी, कौन कौन से सेगमेंट पे पाई जाएंगी, तीसरे और चौथे सेगमेंट पे पाई जाएंगी, जो कि बाइफर्केट करती है ना, बाइफर्केट लेटरली इन सर्किलिंग द फेरिंग्स, है ना, यानी वो फेरिंग्स को इन सर्किल करती है, यानी गोला करके वो इन सर्किल करती है, ठीक है, और वो बाइफर्केट करती है, और वो जॉइंट होती है सेरिब्रल गैंग्लिया डॉर्सली फॉर्म नर्व रिंग, है ना, डॉर्सली जो डॉर्सल साइड के सेरिब्रल गैंग्लिया होंगे उनसे ज्वाइंट हो जाएगी, और वो क्या बनाएगी, नर्व रिंग, एक छल्ले की तरह रिंग बना देगी, है ना। द सेरिब्रल गैंग्लिया अलोंग विथ अदर नर्व इन द रिंग इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट एज वेल एज कमांड मस्कुलर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे अर्थवर्म में सेरिब्रल गैंग्लिया होते हैं, है ना, वो अदर नर्व और दूसरी नर्व के साथ मिल के एक रिंग बनाते हैं, है ना, इन द रिंग, मतलब एक रिंग में जो इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट होंगे एज वेल एज कमांड
मस्कुलर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, है ना, मस्कुलर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी को कमांड करेंगे, यानी उनको कंट्रोल करेंगे। कौन कौन से करेंगे कंट्रोल? जो सेरिब्रल गैंग्रिया होंगे वो दूसरे नर्व के साथ मिलके रिंग में इंटीग्रेट हो जाएंगे, और वो सेंसरी इनपुट जो दिया जाएगा, और एज वेल एज मस्कुलर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, जो सेंसरी रिस्पॉन्स ऑफ द होगा अर्थवम में, और जो मस्कुलर रिस्पॉन्स होगा बॉडी में। मस्कुलर रिस्पॉन्स का मतलब अर्थवम को लोकोमोशन कराना है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो उसके लिए भी ये उसके सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, सेंसरी सिस्टम, इसमें सेंसरी सिस्टम डज नॉट हैव आई, है ना, मतलब अर्थवम में जो होंगे सेंसरी सिस्टम में आई नहीं पाई जाएंगी, उसमें आँखें नहीं पाई जाती हैं, बट डज प्रोसेस लाइट एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन रिसेप्टर सेल्स, है ना, मतलब इसमें आई तो पाई, आँखें तो पाई नहीं जाती हैं, तो आँखों की जगह इसमें कुछ तो होगा भाई इनको सेंस करने के लिए, है ना। सेंसरी सिस्टम डज नॉट हैव आई बट डज प्रोसेस लाइट एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन, है ना, इसमें लाइट और टच के सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं जिसमें क्या होते हैं रिसेप्टर सेल पाई जाती हैं। ये जो टच ऑर्गन्स होंगे, है ना, रिसेप्टर सेल्स होंगी, वो क्या करेंगी, डिस्टिंग्विश द लाइट इंटेंसिटी एंड टू फील द वाइब्रेशन इन ग्राउंड, है ना, ये लाइट इंटेंसिटी को डिस्टिंग्विश करेंगी, मतलब वो उनमें डिफ्रेंशिएट करेंगी, और ये ग्राउंड में जो वाइब्रेशन होगा, ग्राउंड में वाइब्रेशन होगा तो वो उसको फील करेंगी, है ना, लाइट इंटेंसिटी को फील करेंगी, यानी इसमें क्या होगा, लाइट वर्ड आया, लाइट वर्ड जो होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट, इसमें क्या होगा रिसेप्टर, इसमें रिसेप्टर सेल पाए जाएंगे, तो यानी फोटो रिसेप्टर, यानी लाइट को रिसेप्टर, लाइट के रिसेप्टर पाए जाएंगे, इसको फोटो रिसेप्टर बोलते हैं। जो हमारा अर्थवर्म होता है नॉक्टर्नल एनिमल होता है, यानी रातचर होता है, तो ये हमेशा जहाँ भी इसमें लाइट पड़ेगी ना, तो लाइट रीजन से ये डार्क रीजन की तरफ जाता है, है ना, ये लाइट टू डार्क रीजन जाता है, क्योंकि ये नॉक्टर्नल एनिमल होता है, इसलिए फोटो रिसेप्टर होता है ना। और टच के रिसेप्टर होते हैं ना, इसको टैक्टाइल रिसेप्टर बोलते हैं, टच के रिसेप्टर को क्या बोलते हैं, टच के रिसेप्टर को क्या बोलते हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर बोलते हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर बोलते हैं, है ना, टैक्टाइल रिसेप्टर होते हैं ये, टच के रिसेप्टर होते हैं, टच के रिसेप्टर होते हैं, यानी टच को अगर इसको कोई टच करेगा, केचुए को कोई अर्थवर्म को टच करेगा, तो अपना लोकोमोशन करता है, यानी उसकी रिस्पॉन्स करता है, टच करने में रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, ये टच रिसेप्टर हो गए, और ये हमारा जो इसमें टच रिसेप्टर होंगे, तो ये भी क्या करेंगे, ग्राउंड में वाइब्रेशन जो होगा उसको फील करेंगे, है ना, और फोटो रिसेप्टर जो लाइट के रिसेप्टर को फील करेंगे। वर्म हैव स्पेशलाइज क्यूमोरिसेप्टर, जो अर्थवर्म में होता है, यहाँ वर्म का रिलेटेड है, वर्म से मतलब है अर्थवर्म, ठीक है, वर्म से रिलेटेड है अर्थवर्म, ठीक है, यहाँ अर्थवर्म से रिलेटेड है वर्म, ठीक है, समझ गए होंगे आप। वर्म हैव स्पेशलाइज क्यूमोरिसेप्टर, है ना, इसमें अर्थवर्म में क्यूमोरिसेप्टर होते हैं, स्पेशलाइज क्यूमोरिसेप्टर होते हैं, इसको हम टेस्ट रिसेप्टर भी बोलते हैं, और इनको ऑलफैक्टरी रिसेप्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑलफैक्टरी रिसेप्टर भी बोलते हैं, टेस्ट रिसेप्टर को क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं इसमें, है ना, यानी स्मेल के लिए होंगे, है ना, टेस्ट रिसेप्टर होंगे, स्मेल करेंगे, ये स्पेशलाइज क्यूमो रिसेप्टर होते हैं। विच रिएक्ट टू केमिकल स्टिमुलाई, जो कीमो रिसेप्टर होंगे वो इसके नाम से ही पता चल रहा है, कीमो रिसेप्टर, है ना, तो यानी केमिकल के प्रति स्टिमुलस करेंगे, यानी केमिकल के प्रति रिस्पॉन्स करेंगे, और यानी केमिकल से ये रिएक्ट करके उसके लिए स्टिमुलाई जनरेट करेंगे। ठीक है, दीज सेंस ऑर्गन आर लोकेटेड ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ वर्म, है ना, ये जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं, टच रिसेप्टर हो गए, है ना, फोटो रिसेप्टर हो गए, जितने भी सेंसरी ऑर्गन होंगे, ये इसमें अर्थवर्म के इंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्म, इंटीरियर यानी उसके आगे वाले पार्ट में, आगे वाले हिस्से पे लोकेटेड होंगे, है ना, आगे वाले हिस्से पे पाए जाएंगे, तभी अर्थवर्म चलता है, तो उसके आगे ये चीज़ें आएंगी ना, उसके सामने से कोई चीज़ जा, मान लो अर्थवर्म ये चल रहा है, अर्थवर्म ये हो गया, ठीक है, अर्थवर्म ये हो गया सपोर्ट डेट एज लाइक अर्थवर्म बट नॉट इट रियल अर्थवर्म, ठीक है, सो इंटीरियर पार्ट यानी यहाँ पे जो आगे का हिस्सा होगा, ठीक है, यहाँ पे इसके क्या पाए जाएंगे, रिसेप्टर्स पाए जाएंगे, रिसेप्टर ऑर्गन पाए जाएंगे, ठीक है, जिसमें क्या होंगी, सेंसरी सेल होंगी, वो एनवायरनमेंट के क्यूज को सेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या था, नर्वस सिस्टम जो था बहुत प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम था। तो अर्थवर्म के नर्वस सिस्टम में कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं,
इसमें जो होंगी कि गैंगलेटेड नर्व होगा ना, गैंगलेटेड नर्व सिस्टम होगा, यानी इसके नर्व सिस्टम में क्या पाई जाएंगी, गैंगलिया पाई जाएंगी, है ना। और इसमें नर्व कॉर्ड पाया जाता है। नर्व कॉर्ड कैसे पाया जाएगा, इसमें जो होगा डुअल होगा और वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगा, है ना, डुअल और वेंट्रल, यानी डी का मतलब डुअल, ठीक है, डुअल डुअल और क्या होगा, वेंट्रल होगा। हमारे में वर्टिब्रेट में क्या होता है, सिंगल होता है और डॉर्सल साइड होता है ना, उसमें गैंगलिया नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मोस्ट एडवांस्ड नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, ये अर्थवर्म में जो प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इसमें जो गैंगलिया पाई जाएंगी, नर्व कॉर्ड पाई जाएगी जो कि डॉर्सल होगी और सॉरी डुअल होगी और वेंट्रल साइड पे पाई जाएगी, ठीक है। और इसमें जो होगी, ये हम लोग की नर्व कॉर्ड जो होती है हॉलो होती है, बट इसमें क्या होगी, अर्थवर्म में क्या होगी, वो सॉलिड नर्व कॉर्ड होगी, सॉलिड नर्व कॉर्ड होगी, डुअल होगी, वेंट्रल होगी, ठीक है। और इसमें जो होगी नर्व रिंग पाई जाएंगी, है ना, नर्व में नर्व रिंग पाई जाएंगी, नर्व छल्ले की नर्व की रिंग, यानी नर्व रिंग पाई जाएंगी, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ये नर्वस सिस्टम को छोटा सा टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे, कीप सपोर्ट, वॉच द वीडियो टिल एंड।